बाद में गुरु नानक जयंती के अवसर पर आदर्श नगर से जुलूस निकलना था, प्रशासन द्वारा अनुमति जुलूस को नहीं दी गई है, वो इसलिए क्योंकि आज अयोध्या मामले पर फैसला आना था। मुरादाबाद में शांति व्यवस्था कायम रहे इसी उद्देश्य को लेकर प्रशासन द्वारा जुलूस को अनुमति नहीं दी गई है। आपसी सहमति के चलते ही आदर्श नगर के एक गेट से शुरू होकर दूसरे गेट तक जुलूस निकाला गया। सभी लोगों ने शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए अपना भरपूर योगदान दिया। गुरु नानक जयंती के अवसर पर मुरादाबाद के संभल चौराहा स्थित आदर्श नगर कॉलोनी से नगर संकीर्तन यात्रा निकाली जानी थी, मगर प्रशासन द्वारा नगर संकीर्तन यात्रा को अनुमति नहीं दी गई। दरअसल सुप्रीम कोर्ट द्वारा अयोध्या मामले में फैसला देने के बाद शहर में शांति व्यवस्था कायम रहे और किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन द्वारा नगर संकीर्तन यात्रा को अनुमति नहीं दी गई, जिसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार में गृह मंत्री सरदार बलदेव सिंह औलख जहां पहुंचे, उन्होंने सभी सिख समुदाय के लोगों से बात की और ये कहा कि प्रशासन द्वारा जुलूस के मार्ग को देखते हुए अनुमति नहीं दी गई है और ये कहा गया है कि एक दो दिन के अंदर नगर संकीर्तन यात्रा को अनुमति दी जाएगी, जिस पर काफ़ी देर तक बातचीत का दौर चलता रहा। आखिरकार मंत्री सरदार बलदेव सिंह औलख ने प्रशासनिक अधिकारियों से बात करने के बाद कहा कि शहर में माहौल को देखते हुए प्रशासन द्वारा नगर संकीर्तन यात्रा को निकालने की अनुमति नहीं दी गई है और प्रशासन ने ये भी कहा है कि जल्द ही माहौल को देखते हुए अनुमति दी जाएगी। मंत्री जी, क्या डिसाइड हुआ है, क्या ऐसा है, पूरे सरकार ने आज के दिन कोई भी ऐसा कार्य करने को नहीं, शांतिपूर्ण भोजन के बाद देखा। तो कोई आपने यहाँ कब को निकलेगा, संगत को कहा, जो प्रशासन कह रहा है उसको मानते हैं, ज्यादा प्रशासन जाएगा वैसे। तो वहीं सिख समुदाय के लोगों ने आपसी सहमति के चलते शहर में शांति व्यवस्था कायम रहे, उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आदर्श नगर के एक गेट से नगर संकीर्तन यात्रा को निकालकर दूसरे गेट पर जाकर समाप्त कर दी। ऐसे में नगर संकीर्तन यात्रा आदर्श नगर कॉलोनी से शुरू होकर और आदर्श नगर के दूसरे गेट पर जाकर सम्पन्न हुई। इस मौके पर भारी संख्या में पुलिस व आरएएफ के जवान मौजूद रहे। यात्रा में भारी संख्या में सिख समुदाय के लोग भी मौजूद रहे। सीओ कड़घर सुदेश गुप्ता ने बताया कि अयोध्या मामले में फैसले के बाद शहर में शांति व्यवस्था कायम रहे, इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए प्रशासन द्वारा यात्रा को अनुमति नहीं दी गई है और सभी सिख समुदाय के लोगों ने आपसी सहमति के चलते आदर्श नगर के एक गेट से शुरू होकर दूसरे गेट पर यात्रा सम्पन्न की। क्या जुलूस निकला था और क्या उसमें व्यवस्था हुई? गुरु नानक जयंती थी, इस पे जुलूस निकलना था, इनके पास पहले से परमिशन थी लेकिन इनका रास्ता थोड़ा शॉर्ट कर दिया गया, आज किसी को देखते हुए और इनके मोहल्ले में जुलूस निकलवा दिया।
तो वहीं सिख समुदाय के जिम्मेदार व्यक्तियों का कहना है कि शहर हमारा है और हमारे शहर में शांति व्यवस्था कायम रहे, इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। वाहेगुरु जी खालसा, वाहेगुरु जी फतेह। गुरु नानक देव जी का 550 साल की जन्मदिन मनाने का हम जुलूस निकाल रहे थे शहर में, और आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ है जिस वजह से सारे शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने ये सारी व्यवस्था करी हुई है। उसके देखते हुए हम लोगों ने अपने अंदर ही कॉलोनी में ही अपने जुलूस को निकाल करके हमने अपना जश्न मनाया है, और जैसे प्रशासन कहेगा वैसे ही होना चाहिए। आज के दिन हम सबको बधाई देना चाहते हैं, तो नानक देव जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पूरी दुनिया की संगत, हर मजहब, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबको हम बधाई देना चाहते हैं। बहुत खुशी का दिन है आज।